हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जैसा कि मैंने बोला था कि इस मंथ के एंड में ट्राई करेंगे 60-80% हमारा सिलेबस सर कंप्लीट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, मैं बोल सकता हूं दोनों के लिए, एफआई बीएमएस वाले बच्चे, एफआई बीकॉम वाले बच्चे सेम टू का। और दोनों का ध्यान रखना, प्रॉपर पेपर एनालिसिस करने के बाद ही ये प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों लोग के लिए। मैं अगर बात करूं बीकॉम वाले बच्चे, मिनिमम आप लिख लो, सॉरी बैफ वाले, बीएमएस वाले बच्चे 15 मार्क्स मिनिमम, मैं बता रहा हूं मिनिमम आप लिखो, और एक्स्ट्रा हो सकता है भाई ये 21 मार्क्स का जा सकता है। किसकी बात अभी तक मैंने किया सर? बीएमएस, मतलब दो क्वेश्चन तो कंपलसरी आप लिख लो, आएगा ही आएगा ये तो लिख लो, मैक्सिमम एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, तीन क्वेश्चंस हो सकते हैं इस टॉपिक से, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। बीकॉम की अगर मैं बात करूं, बीकॉम की बात करूं तो ये 15 मार्क्स का टॉपिक है एंड 5 मार्क्स हमारा पहला एक छोटा सा पार्ट है, वो अलग रहेगा, अलग लेक्चर चलेगा आप लोग का बीकॉम वाले बच्चे। पहले दोनों में जो कॉमन सा टॉपिक है पहले उसकी बातें कर लिया जाए, और बात करेंगे आज टाइप 2। टाइप 1 के हैशटैग 10 तक मैंने लेक्चर्स दिया, और 9 हैशटैग 1 इंट्रोडक्शन को आप अगर साइड करोगे, हैशटैग 2 से लेकर 10 तक के, मतलब हैशटैग 9 जिसमें मैंने कंप्लीट आपके प्रीवियस ईयर, मतलब दो पहले तो थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूला का सिखाया गया था, उसके बाद जो लेक्चर्स आपको मिले हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सामने रखा है, डिस्टेंस का भी करा दिया, रेगुलर वालों का भी करा दिया, ताकि प्रॉपर बच्चों को गाइडेंस मिले। और टाइप 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट में से मैंने रखा था, और उसी के बेस पे आगे की कहानी हमारी चलती है। जैसे टाइप 2 में भी फॉर्मूले अप्लाई होते हैं एंड टाइप 1 का फॉर्मूला भी यहाँ पे आएगा, इसलिए टाइप 1 के लेक्चर्स आपको ज्यादा दिखेंगे। अब टाइप 2 में भी ध्यान रखना, जितने भी एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही कराऊंगा कंप्लीट, ताकि आपको भी एक गाइडेंस चले कि कौन सा क्वेश्चन हमारा चल रहा है, क्या बेस पे। अप्रैल 2015 का क्वेश्चन है डिस्टेंस वाले बच्चों का, डिस्टेंस मतलब ध्यान रखना है, रेगुलर वाले बच्चों के माइंड में ये नहीं आना चाहिए सर डिस्टेंस का है तो हमारे इसमें नहीं आता है, आएगा आप लोग कभी कराएंगे, रेगुलर का भी तो आप लोग देखोगे। टाइप 1 में जैसा हुआ था सेम ही था, नंबर्स बदलने से कुछ नहीं होता भैया, बाकी की कहानी तो सेम है ना, फॉर्मूले तो सेम चलेंगे बिल्कुल सर। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चन ऐड कर देता हूं आपके स्क्रीन पे, और बहुत सिंपल सी इनकी पहचान है, बार बार एक ही चीज पूछेंगे अगर ये टाइप का क्वेश्चन बना तो, बार बार एक ही चीज पूछेंगे सर। क्वेश्चन क्या है? डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय पी इक्वल, पहले तो आपका क्या दिया है डिमांड फंक्शन, आप यहां पे लिख लो P इक्वल टू, आई होप दिख रहा है क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूं मैं, P इक्वल टू डिमांड फंक्शन 4D का क्यूब माइनस 3D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 5, ये आपका P दे के रखा था। क्लियर है सर? बिल्कुल, आई होप हर एक बच्चों का क्लियर होगा। आगे का डिटेल पढ़ो आप क्या लिखा है, फाइंड टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इफ डी इक्वल टू 3। क्लियर है? और मैंने बोला कि अगर ये टाइप आता है, रेवेन्यू वाला कॉन्सेप्ट आएगा, हमेशा यही चीजें आपसे पूछी जाती है, टोटल रेवेन्यू आप बता दो भाई, एवरेज रेवेन्यू बता दो एंड मार्जिनल रेवेन्यू बता दो। तो पहला काम है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या सर याद होना चाहिए? फॉर्मूला बहुत हार्ड है क्या? नहीं सर, एकदम सिंपल है भाई, प्राइस इंटू डिमांड कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर? प्राइस इनटू डिमांड कर दूंगा, आ जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल। एवरेज रेवेन्यू का सर रेवेन्यू अपॉन में डी से डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एक एक स्टेप करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो इधर टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला सर प्राइस कहां है सर? प्राइस कहां दिया है? तो भाई ये पी दिया ना, यही तो है, आप लिख दो इधर 4D का क्यूब माइनस 3D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 5 मल्टीप्लाइड डिमांड। डिमांड मींस होता है भाई हमारा डी, हमेशा इस टाइप के सब में हमेशा डिमांड मींस होता है डी सर, मल्टीप्लाई कर दो सर। अब ये तो पता है ना, डी से मल्टीप्लाई करने पे एक पावर बढ़ेगा और क्या होगा सर, 4D का क्यूब, तब क्या हो जाएगा सर 4D का पावर 4 माइनस 3D स्क्वायर था पावर 1, ऐड कर दो भाई माइनस 2D का स्क्वायर कर दो प्लस 5D कर दो। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, हो गई कहानी,
हो गया आपने कर लिया सम भाई, कितना सिंपल सा लॉजिक है सर, ये तो करना भी नहीं भाई। डी पावर एक बढ़ा दिया सर, टोटल रेवेन्यू आ गया, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट लगा, बहुत इजी है सर, कोई हार्ड लेवल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे। एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू आर अपॉन डी लिख दो, नहीं तो इससे भी आसान बना दो भाई, डीवाई इक्वल टू पी कर दो। सर क्या बोला आपने, समझा नहीं। मैंने बोला एवरेज रेवेन्यू हमेशा ना भाई ये जो है ना वही होता है, आप इक्वल टू पी करके शो कर दो, या फिर R upon D दिखा दो, बात वही है ना। R क्या है सर, R मतलब ये जो टोटल रेवेन्यू आपने निकाला ना भाई, वही होता है 4D का पावर 4 होता है, माइनस 3D का पावर सर 3 होता है, माइनस 2D का पावर सर 2 होता है, प्लस 5D, मैंने बोला इसको डिवाइड कर दो D से। अब आप अगर ऊपर देख रहे हो सर, D तो सब में दिख रहा है ना भाई, D कॉमन ले लो, D यहाँ पे भी एक बार है भाई, दो बार, तीन बार, चार बार है, एक बार मैंने बोला बाहर ले लो, क्या बचा सर, एक बार बाहर तो एक एक पावर सबका कम हो जाएगा, माइनस 3D का ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2D हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा अपॉन में D, D से D कैंसिल, 4D का क्यूब माइनस 3D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 5, वही तो आया, यही तो मैंने बोला था भाई, जो आपका ना ये P होता है ना वही होता है। और बहुत बच्चे डायरेक्टली भी लिख देते हैं ये P है, ध्यान रखना, बहुत बच्चे डायरेक्टली भी लिख देते हैं। क्लियर है क्या, देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, और सम्स करेंगे प्रैक्टिस, अगर डाउट अभी से लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो रिपीट कर सकते हो, या फिर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सर मार्जिनल रेवेन्यू बता दो क्या है, सर मैंने बोला डेरिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, डेरिवेट का फॉर्मूला आएगा डी अपॉन में डीएक्स, उसी का बेस चलेगा, मैंने बोला वो नहीं आएगा बट उसी का बेस चलेगा, थोड़ा सा समझो आप क्या बोल रहे हो। सर क्या लिखा आपने, मैंने बोला डी अपॉन में डी, ध्यान रखना डेरिवेट जब आप करते हो तो d अपॉन में dx आता था, याद होगा ना, अब यहाँ पे x नहीं है d है, तो ध्यान रखना r, r मीन्स क्या होता है ना, ये जो टोटल आपने निकाला इसकी बात होता है, ध्यान रखना ये क्या निकाला सर, 4d का पावर 4 माइनस 3d का पावर 3 माइनस 2d का स्क्वायर प्लस 5d। क्लियर है, क्लियर है क्या, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर है। चलिए सर आर हमारा ये था, कॉपी कर दिया। अब अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा भी याद है, डेरिवेट जब करते थे पावर वाले का, इसलिए मैंने बोला था टाइप वन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पावर वाले को सर डेरिवेट करते ना तो पावर आके आगे के नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सॉरी पावर आगे आके नंबर से मल्टीप्लाई होता है सर, 4 4 16 और पावर एक हो जाएगा कम। टाइप वन जिस बच्चे ने पावर वाला किया होगा फॉर्मूला याद होगा, बहुत इजी समझ में आएगा, मैंने क्या बोला पावर आके आगे के नंबर से मल्टीप्लाई, 4 4 16 और मैंने बोला पावर 4 था एक कम करो 3 कर दो सर, माइनस 3 आके 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 पावर एक कम करो सर 2 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा डी, और प्लस 5D मतलब ये हमारा 5 आएगा क्योंकि डी पावर ही नहीं है कुछ, तो 5 5 हो जाएगा। क्लियर समझा, आई होप हर एक बच्चे को समझा, आई होप हर एक बच्चे को समझा। बस एक छोटा सा लाइन ऐड कर दो भाई क्या, अब देखो ना आपको D दिया था ना, D कितना है तो सब जगह पे तीनों जगह पे D की वैल्यू पुट अप करो, क्या बोल रहे वो, क्लियर है, बस यही काम आपका बच गया और कोई सब काम कंप्लीट है। मैं अगर D पूछू D कितना है सर, D 3 है, 3 3 3 डी की वैल्यू पुट अप करो, आंसर निकाल लो सर। मैं जब बात करता हूं सर TR टोटल रेवेन्यू मीन्स जिसको R भी बोलते हैं शॉर्ट में, रेवेन्यू क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई डी के प्लेस पे सर 3 पावर हो गया 4 माइनस 3 डी के प्लेस पे 3 पावर 3 माइनस 2 डी के प्लेस पे 3 पावर 2 प्लस 5 इंटू डी के प्लेस पे 3, यही काम आपको करना है। क्लियर समझा क्या, अब अगर जब इसको आप प्लस माइनस कर लो, चलो कैलसी उठा लो, 4 × 3 का पावर 4 कर दो, 3 3 9 9 3 27 27 3 सर हमारा होता है 81 माइनस 3 3 का पावर 3 किया सर, 3 3 9 9 3 27 माइनस 2 3 का पावर 2 सर 9 होता है, प्लस 5 3 15 4 × 81 कर लो, कैलसी उठा लो सर, 4 × 81 324 हमारा होता है, माइनस 3 × 27 सर हमारा 81 होता है, 9 2 हमारा सर 18 होता है, प्लस हमारा 15 होता है, 324 माइनस 81 माइनस 18 प्लस 15, तो चलिए फाइनल आंसर में सीधा लिख देता हूँ सर 240
प्लस माइनस आप लोग कर सकते हो सर, 324 प्लस 15 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, बाद में माइनस माइनस वाला माइनस हो जाएगा, क्लियर। चलिए आई होप समझा मैंने क्या बोला आप लोगों को। डी के प्लेस पे वैल्यू 3 पुट अप करो, 3 स्क्वायर माइनस 3, डी के प्लेस पे 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2, डी के प्लेस पे 3 प्लस 5 तो 4, 3 का स्क्वायर 3, 3 जा 9, 9 3 जा सर हमारा होता है 27, तो फाइनल आंसर 27 यहां पे आया, माइनस 3, 3 का स्क्वायर सर 9, 3 2 जा हमारा 6 प्लस 5 तो 4 इंटू 27 आप करो, 4 इंटू 27 108 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 6 प्लस 5 प्लस माइनस आप लोग कर लेना, और जो हमारा एआर आएगा एवरेज रेवेन्यू आएगा वो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ प्लस माइनस करके सर, जो प्लस माइनस करने के बाद फाइनल आंसर सर हमारा आएगा 80, क्या आएगा 80 आएगा, क्लियर सर। बिल्कुल यहाँ पे भी वैल्यू पुट अप कर दो भाई, 16 डी के प्लेस पे 3, 3 का क्यूब माइनस 9 डी के प्लेस पे 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 डी के प्लेस पे 3 प्लस 5 16, 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 3 जाए 12 प्लस 5 16 इंटू 27 कर लो, कैलसी उठा लो, 16 इंटू 27 432 माइनस 81 सर होता है माइनस 12 प्लस 5 प्लस माइनस कर लेना, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आएगा फाइनल आंसर में मेंशन कर दूं आपको, मार्जिनल रेवेन्यू सर 344, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सर, कितने इजी कॉन्सेप्ट था, कितना सिंपल सा टॉपिक था, और सेम इसी के बेस पे, क्योंकि ये टॉपिक ये ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं बीकॉम बीएमएस दोनों बच्चों की, जब आप बात करते हो दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर। सेम क्वेश्चन ऐसे ही छपेगा, पर ध्यान रखना क्या चेंज होता है ना, यही प्राइस हमेशा चेंज करते रहते हैं, कभी 4D क्यूब दिए, कुछ ऐसा नंबर चेंज करते रहते हैं, इसलिए मिनिमम 3 सम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कितना सर मिनिमम 3, क्योंकि मैंने क्या बोला बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है हमारा क्वेश्चन बनता है यहां से, इसलिए चाहे आप डिस्टेंस वाले बच्चे हो चाहे रेगुलर के बच्चे हो, ये सम्स प्रैक्टिस करना है सबको, क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है। आज के लेक्चर में फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है कमेंट ऐड कर दो कि सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कमेंट ऐड कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट और वीडियो, जैसे मैंने पहले बताया था 3 वीडियो तो मिनिमम प्रोवाइड कराऊंगा सिमिलर इसी बेस पे, और प्रीवियस ईयर का कंप्लीट, प्रीवियस ईयर का अप्रैल 2015 तो आके भी आए हैं, कंटिन्यू आए हैं, तो वो करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।